गर्ग संहिता के गोलोक खंड में 11वें अध्याय में भगवान जी का वास्ते देवकी में आवेश, देवताओं द्वारा उनका स्तमन, आविर्भाव काल, अवतार विग्रह की झांकी, वसुदेव देवकी कृत भगवत स्तमन, भगवान जी के द्वारा उनके पूर्व जन्म के वृत्तांत वर्णन पूर्वक अपने को नंद भवन में पहुँचाने का आदेश, कंस द्वारा नंद कन्या योग माया से कृष्ण के प्राकट्य की बात जानकर पश्चाताप पूर्वक वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त करना, क्षमा मांगना और दैत्य को बाल वध का आदेश देना। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर तंत्र प्रातपर एम परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण पहले वासुदेव जी के मन में आविष्ट हुए। भगवान जी का आवेश होते ही महामना वासुदेव सूर्य चंद्रमा और अग्नि के समान महान तेज से उद्भासित हो उठे, मानो उनके रूप में दूसरे यज्ञ नारायण ही प्रकट हो गए हों। फिर सबको अभय देने वाले श्री कृष्ण देवी देवकी के घर में आविष्ट हुए। इससे उस कारागृह में देवकी उसी तरह दिव्य दीप्ति से चमक उठी जैसे घनमाला में चपला चमक उठती है। देवकी के उस तेजस्वी रूप को देखकर कंस मन ही मन भय से व्याकुल होकर बोला, ये मेरी प्राण हंता आ गया, क्योंकि इसके पहले ये ऐसी तेजस्विनी नहीं थी। इस शिशु को जन्म लेते ही मैं अवश्य मार डालूंगा। यों कहकर वह भय से विहल होकर उस बालक के जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। भय के कारण अपने पूर्व शत्रु भगवान विष्णु का चिंतन करते वह सर्वत्र उन्हीं को देखने लगा। आहो, दृढ़तापूर्वक वैर बन जाने से भगवान कृष्ण का भी प्रत्यक्ष की भांति दर्शन होने लगता है। इसलिए असुर श्री कृष्ण की प्राप्ति के उद्देश्य से ही उसके साथ वैर करते हैं। जब भगवान गर्भ में आविष्ट हुए तब ब्रह्मा आदि देवता तथा नारद प्रभृति मुनीश्वर वसुदेव के ग्रह के ऊपर आकाश में स्थित होकर भगवान जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं में प्रतीत होने वाले विश्व के जो एकमात्र हेतु होते हुए भी अहेतु हैं, जिनके गुणों का आश्रय लेकर ही ये प्राणी समुदाय सब और विचरते हैं तथा जैसे अग्नि से निकलकर सब और फैले हुए चिंगारियां पुनः उसमें प्रवेश नहीं करती, उसी प्रकार महतत्व इंद्रीवर्ग तथा उनके अधिष्ठाता देव समुदाय जिनसे प्रकट हो पुनः उसमें प्रवेश नहीं पाते, उन परमात्मा आप भगवान श्री कृष्ण को हमारा सादर नमस्कार है। बलवानों में भी सबसे अधिक बलिष्ठ ये काल भी जिन पर शासन करने में समर्थ नहीं है, माया भी जिन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती तथा नित्य शब्द वेद जिनको अपना विषय नहीं बना पाता, उन परम अमृत प्रशांत शुद्ध प्रातपर पूर्ण ब्रह्म स्वरूप आप भगवान की हम शरण में आए हैं। जिन परमेश्वर के अंश अवतार, अशांश अवतार, कला अवतार, आवेश अवतार तथा पूर्ण अवतार सहित विभिन्न अवतारों द्वारा इस विश्व के सृष्टि पालन आदि कार्य संपादित होते हैं, उन्हें पूर्ण से परे परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। प्रभु, अतीत वर्तमान और अनागत भविष्य में मनवंतरों युगों तथा कल्पों में आप अपने अंश और कला द्वारा अवतार विग्रह धारण करते हैं, किंतु आज ही वह सौभाग्यपूर्ण अवसर आया है जबकि आप अपने परिपूर्णतम धाम तेज पुंज का यहाँ विस्तार कर रहे हैं। अब इस परिपूर्णतम अवतार द्वारा भूतल पर धर्म की स्थापना करके आप लोक में मंगल कल्याण का प्रसार करेंगे। आनंद कंद देव की नंदन, आपकी जो चरण राज विशुद्ध अंतःकरण वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ और अगम्य है, वही उन वड़भागी भक्तों के लिए परम सुलभ है जो अपने निर्मल हृदय में भक्ति योग धारण करके सदा प्रीति रस में निमग्न होकर द्रवित चित रहते हैं। शिशु रूप में मंद मंद विचरने वाले आपके चरनार विंदों के मकरंद एवं प्राग को हम स अनुराग सिर पर धारण करें, यही हमारी आंतरिक अभिलाषा है। आप पहले से ही परम कमनीय क्लेवर धारी हैं और यहाँ इस अवतार में भी उसी कमनीय रूप से आप शोभित होंगे। आपका रूप कोटि शत काम देवों को भी
मोहित करने वाला और परम अद्भुत है। आप गोलोक धाम में धारित दिव्य दीप्ति राशि को यहाँ भी धारण करेंगे। सर्वोत्कृष्ट धर्म धन के धारिता आप श्री राधा वल्लभ को हम पर नाम करते हैं। उससे मुनियों सहित ब्रह्मा आदि सब देवता श्री हरि को नमस्कार करके उनकी महिमा का गान तथा स्वभाव की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धाम को चलेंगे। मिथिला सम्राट बहुलाश्य, तदंतर जब श्री हरि के प्राकट्य का समय आया, आकाश स्वच्छ हो गया, दसों दिशाएं निर्मल होगी, तारे अत्यंत उद्दीप्त हो उठे, भूमंडल में प्रसन्नता छा गई, नदी नद सरोवर समुद्र के जल स्वच्छ हो गए, सब और सहस्त्र दल और शत दल कमल खिल उठे, वायु के स्पर्श से उनके सुगंध युक्त पराग सब दिशाओं में फैलने लगे, उन कमलों पर भ्रमर गुंजार करने लगे, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, जनपद और ग्राम सुख सुविधा से संपन्न हो गए, बड़े बड़े नगर तो मंगल के धाम बन गए, देवता ब्राह्मण पर्वत वृक्ष और गंवे सभी सुख सामग्री से परिपूर्ण हो गए, देवताओं की धुंधवियाँ बज उठी, साथ ही जय जयकार की ध्वनि सब और व्याप्त हो गई। महाराज, जहाँ तहाँ सब जगह सबका परम मंगल हो गया। गायन कला में निपुण विद्याधर गंधर्व सिद्ध किन्नर तथा चारण गीत गाने लगे, देवता लोग स्तोत्र पढ़कर उन परम पुरुष का स्तवन करने लगे, देवलोक में गंधर्व तथा विद्याधरियाँ आनंद मग्न होकर नाचने लगी, मुख्य मुख्य देवता पारिजात मंदार तथा मालती के मनोरम फूल बरसाने लगे और मेघ गर्जना करते हुए जल की वृष्टि करने लगे। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र हर्षण योग तथा वृष लग्न में अष्टमी तिथि को आधी रात के समय चंद्रोदय काल में जबकि जगत में अंधकार छा रहा था, वसुदेव मंदिर में देवकी के गर्भ से साक्षात श्री हरि प्रकट हुए। ठीक उसी तरह जैसे अरणि काष्ठ से अग्नि का आविर्भाव होता है। कंठ में प्रकाशमान सच्छ विचित्र मुक्तहार वक्षपल शोभा प्रभा समन्वित सुंदर कौस्तु मणि तथा रत्नों की माला चरणों में नपुर तथा बाहों में बाजूबंद धारण किए भगवान मंडलाकार प्रभापुंज से उद्भासित हो रहे थे। मस्तक पर क्रीड तथा कानों में कुंडल युगल बाल रवि के सदृश उद्दीप्त हो रहे थे। कलाइयों में प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान अद्भुत कंकन हिल रहे थे। कटी के करधनी में जो डोर या जंजीर लगी थी उसकी प्रभा विद्युत के समान सब ओर से व्याप्त हो रही थी। कंठदेश में कमलों की माला शोभा पाती थी जिसके ऊपर मधु लोलुप मधुकर मंडल आ रहे थे। उनके श्री अंगों का जो दिव्य पीत वस्त्र था वे नूतन तपाए हुए जांबुनद स्वर्ण की शोभा को त्रिस्कित कर रहा था। श्याम सुंदर विग्रह पर शोभित वे पीतांबर विद्युत विलास से विलसित नीलमेघ के सौभाग्यपूर्ण सौंदर्य को छीने लेता था। मुख के ऊपर शिरोदेश में काले काले घुंघराले केश शोभा पाते थे। मुख चंद्र की चंचल रश्मियां वहां का संपूर्ण अंधकार दूर किए देती थी। वे परम सुंदर शुभद आनंद प्रफुल्ल इन दीवर सदृश युगल नेत्रों से शोभित था। उस पर विचित्र रीति से मनोहर पत्र रचना की गई थी जिसमें मंडित अविराम मुख सदैव करोड़ों कामदेवों को मोहे लेता था। वे परिपूर्णतम प्रात पर भगवान मधुर ध्वनि से वेणु बजाने में तत्पर थे। ऐसे पुत्र का अवलोकन करके यदुकुल तिलक वसुदेव जी के नेत्र भगवान जी के जन्म उत्सव जनित आनंद से खिल उठे। फिर उन्हें शीघ्र ब्राह्मणों को 100,000 गौदान करने का मन ही मन संकल्प किया। सूतिकागार में प्रभु का आविर्भाव प्रत्यक्ष हो गया। इससे वसुदेव का सारा भय जाता रहा। वे अत्यंत विस्मित होकर हाथ जोड़कर आदि यंत्र ही श्री हरि को प्रणाम करके स्तोत्र द्वारा उनका स्तवन करने लगे। श्री वासुदेव जी बोले, भगवान जो एकमात्र द्वितीय हैं वे ही पर ब्रह्म परमात्मा आप प्रकृति के सत्वादि गुणों के कारण अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। आप ही संहारक आप ही उत्पादक आप ही इस जगत के पालक हैं। हे आदिदेव हे त्रिभुवन पते परमात्मन, जैसे स्फटिक मणि उपाधिक रंगों से लिप्त नहीं होती उसी प्रकार आप देह के वर्णों से निर्लिप्त ही रहते हैं, ऐसे आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है।
जैसे ईंधन में आग छिपी रहती है, उसी तरह आप अव्यक्त रूप से इन संपूर्ण जगत में विद्यमान हैं, तथा जैसे आकाश सबके भीतर और बाहर भी रहता है, उसी प्रकार आप सबके भीतर और बाहर भी स्थित हैं। आप भी पृथ्वी की भांति इस समस्त जगत के आधार हैं, सबके साक्षी हैं, तथा वायु की भांति सर्वत्र जाने की शक्ति रखते हैं। आप गौ देवता ब्राह्मण अपने भक्तजन तथा बछड़ों के पालक हैं, और उद्भट भूभार का हरण करने के लिए ही मेरे घर में अवतीर्ण हुए हैं। इस भूतल पर समस्त पुरुषोत्तमों से भी उत्तम आप ही हैं। भुवन पते, पापी कंस से मुझे बचाइए। तो श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलापते सर्वदेवता स्वरूपिणी देवकी को भी ये ज्ञात हो गया कि मेरे घर में परिपूर्णतम भगवान साक्षात श्याम सुंदर श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ है। अतः वे भी उन्हें नमस्कार करके बोली। देवकी ने कहा, हे सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण, हे अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी, हे परमेश्वर, हे गोलोक धाम मंदिर की ध्वजा, हे अग्निदेव, हे आदिदेव, हे पूर्व रूप ईश्वर, हे परिपूर्णतम परमेश, हे प्रभु, आप पापी कंस के भय से मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पिता माता की ओर से किया गया वैस्तवन सुनकर पाप नाशन साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए देवकी और वासुदेव जी से बोले। श्री भगवान जी ने कहा, पूर्व सृष्टि में ये माता पतिव्रता प्रश्नी थी और आप प्रजापति सुतपा। आप दोनों ने संतान के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से अन्न और जल का त्याग करके बड़ी भारी तपस्या की थी। एक मनवंतर का समय बीत जाने पर भी प्रजा की कामना से आपकी तपस्या चलती रही। तब मैं आप दोनों पर प्रसन्न होकर बोला, आप लोग कोई उत्तम वर मांग लो। मेरी बात सुनकर आप तत्काल बोले, प्रभु, हम दोनों को आपके समान पुत्र प्राप्त हो। उस समय तथास्तु कहकर जब मैं चला आया, तब आप दोनों दंपति अपने पुण्य कर्म के फल स्वरूप प्रजापति हुए। संसार में मेरे समान तो कोई पुत्र है नहीं। ये विचार करके मैं स्वयं परमेश्वर ही आपका पुत्र हुआ। उस समय भूतल पर मैं प्रश्नी गर्भ नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में जब आप कश्यप और अदिति हुए, तब मैं आपका पुत्र वामन आकार वाला उपेंद्र हुआ। उसी प्रकार इस वर्तमान जन्म में भी मैं प्रातपर परमेश्वर आप दोनों का पुत्र हुआ हूँ। पिताजी, अब आप मुझे नंद भवन में पहुँचा दें, इससे आप दोनों को कंस से कोई भय नहीं होगा। नंद राय की पुत्री को यहाँ ले आकर आप सुखी होइएगा। तो श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यों कहकर भगवान वहाँ मौन होकर उन दोनों के देखते देखते वर्तमान स्वरूप को अदृश्य करके बाल रूप होकर पृथ्वी पर पड़ गए। जैसे किसी नट ने क्षण भर में वेश परिवर्तन कर लिया हो, शिशु को पालने में सुलाकर ज्यों ही वसुदेव जी ले जाने के उद्यत हुए, त्यों ही महावन में नंद पत्नी के गर्भ से योग माया ने स्वतः जन्म धारण कर लिया। उसी के प्रभाव से सब लोग सो गए, पहरेदार भी नींद लेने लगे, सारे दरवाजे मानो किसी ने खोल दिए, सांकल और अर्गलाइन टूट फूट गई। श्री कृष्ण को माथे पर लिए जब वसुदेव जी ग्रह से बाहर निकले, उसमें उनके भीतर का अज्ञान और बाहर का अंधेरा स्वतः दूर हो गया, ठीक उसी तरह जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का तत्काल नाश हो जाता है। आकाश में बादल घिराए और वे जल की वृष्टि करने लगे। तब सहस्त्र मुख वाले स्वयं प्रकाश शेषनाग अपने फनों से छत्र छाया करके गिरती हुई जल की धाराओं का निवारण करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। उसमें जमुना में जल के वेग से बहने के कारण ऊंची लहरें उठती और भंवरें पड़ रही थी। वे सिंह और सर्प आदि जंतुओं को भी बहाए लिए जाती थी, किंतु सरताओं में श्रेष्ठ कलिंद नंदिनी जमुना ने वसुदेव जी को तत्काल मार्ग दे दिया। नंद राय जी का सारा व्रज गाढ़ी नींद में सो रहा था। वहां पहुंचकर वसुदेव जी ने अपने परम शिशु को यशोदा जी की शैया पर शीघ्र सुलाकर उस दिव्य कन्या को देखा। यशोदा जी उस कन्या को गोद में लेकर वसुदेव जी पुनः अपने घर लौट आए। वे जमुना जी को पार करके पूर्वत अपने घर में स्थित हो गए। उधर गोपी यशोदा को इतना ही ज्ञात हुआ कि उसे कोई पुत्री या पुत्री हुई है।
वे प्रसव वेदना के श्रम से अत्यंत थकी होने के कारण अपने शैया पर आनंद की नींद लेती हुई सो गई थी। इधर बालक के रोने की आवाज सुनकर पहरेदार राजभवन में उपस्थित हुए और जाकर वीर कंस को बालक के जन्म लेने की सूचना दी। ये समाचार कान में पड़ते ही कंस भय से कातर होकर तंत सूती गृह में जा पहुंचा। उसमें सती सादी बहन देव की दीन की तरह रोती हुई भाई से बोली। देवकी ने कहा, भैया आप दीन दुखियों के प्रति स्नेह और दया करने वाले हैं। मैं आपकी बहन हूँ, तथापि कारागार में डाल दी गई हूँ। मेरे सभी पुत्र मार डाले गए हैं। मैं वे अभागिन माँ हूँ जिसके बेटों का वध कर दिया गया है। एकमात्र ये बेटी बची है, इसे मुझे भीख में दे दीजिए। ये स्त्री है, इसका वध करना आप जैसे वीर के योग्य नहीं है। कल्याणकारी भाई, इस कल्याणी कन्या को तो मेरी गोद में दे ही दीजिए। यदि आपके योग्य कार्य यही आपके योग्य कार्य होगा तो श्री नारद जी कहते हैं, राजन देवकी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने मोह के कारण बेटी को आंचल में छिपाकर बहुत विनती की। वे बहुत रोई गिड़गिड़ाई तो भी उस दुष्ट ने बहन की दान डपट उसकी गोद से वह कन्या छीन ली। वह यदुकुल का कलंक एवं महानीच था। सदा कुसंग में रहने के कारण उसका जीवन पाप में हो गया था। उस दुरात्मा ने अपनी बहन की बच्ची के दोनों पैर पकड़कर उसे शिला पर दे मारा। वह कन्या साक्षात योग माया का अवतार देवी अनंशा थी। कंस के हाथ से छूटते ही वह उछलकर आकाश में चली गई। शास्त्र अश्वों से जुते हुए दिव्य शतपत्र रथ पर जा बैठी। वहां चवर ढलाई जा रहे थे, उस शुभ्र रथ पर बैठकर वह दिव्य रूप धारण किए दृष्टिगोचर हुई। उसकी 8 भुजाएं थी और सबसे आयुध शोभा पा रहे थे। वे माया देवी अपने पार्षदों से परिसेवित थी। उसका तेज 100 सूर्यों के समान दिखाई देता था। उसने मेघ गर्जना तुल्य गंभीर वाणी में कहा, श्री योग माया बोली, कंस तुझे मारने वाले परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण तो कहीं और जगह अवतीर्ण हो गए। इस दीन देवकी को तू व्यर्थ दुख दे रहा है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन उससे योग कहकर भक्ति योग माया विंध्य पर्वत पर चली गई। वहां वे अनेक नामों से प्रसिद्ध हुई। योग माया की उत्तम बात सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देवकी और वसुदेव को तत्काल बंधन मुक्त कर दिया। कंस ने कहा, बहनोई वासुदेव जी, मैं पापात्मा हूँ, मेरे कर्म पाप में हैं। मैं इस यदुवंशीय महानीच और दुष्ट हूँ। मैं ही इस भूतल पर आप दोनों के पुत्रों का हत्यारा हूँ। आप दोनों मेरे द्वारा किए गए इस अपराध को क्षमा कर दें, मेरी बात सुने। मैं समझता हूँ ये सब काल ने किया कराया है। जैसे वायु मेघमाला को जहाँ चाहे उड़ा ले जाती है, उसी तरह काल ने मुझे भी शिक्षा के अनुसार चलाया है। मैंने देव वाक्य पर विश्वास कर लिया, किंतु देवता भी असत्यवादी ही निकले। इस योग माया ने बताया है कि तेरा शत्रु भूतल पर अवतीर्ण हो गया है, किंतु वह कहाँ उत्पन्न हुआ है ये मैं नहीं जानता। श्री नारद जी कहते हैं, राजन यों कहकर कंस बहन और बहनोई के चरणों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसके मुंह पर अश्रुधारा बह चली। उसने उन दोनों के प्रति सौहार्द अत्यंत स्नेह दिखाते हुए उनकी बड़ी सेवा की। अहो परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्णचंद्र के दया दान दक्ष कटाक्षों से भूतल पर क्या नहीं हो सकता। तंत्र प्रातःकाल दुरात्मा कंस ने प्रलंब आदि बड़े बड़े असुरों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उनसे कह सुनाया। तो कंस ने कहा, मित्रों जैसा कि योग माया ने बताया है कि मेरे विनाश करने वाला शत्रु पृथ्वी पर कहीं उत्पन्न हो गया है। अरे तुम लोग जो 10 दिन के भीतर उत्पन्न हुए हैं और जिनको जन्म लिए 10 से अधिक दिन निकल गए हैं, उन समस्त बालकों को मार डालो। दैत्य ने कहा, महाराज जब आप द्वंद युद्ध में उतरे थे उसमें रणभूमि में आपके चढ़ाए हुए धनुष की टंकार सुनकर सब देवता भाग खड़े हुए थे, फिर उन्हीं से आप भय क्यों मान रहे हैं। गौ ब्राह्मण साधु वेद देवता तथा धर्म और यज्ञ आदि जो दूसरे दूसरे तत्व हैं
वे ही भगवान विष्णु के शीर माने गए हैं। इन सब के विनाश में दैत्यों का बल ही समर्थ माना गया है। यदि महाविष्णु जो आपका शत्रु है इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है तो उसके वध का यही उपाय है कि गौ ब्राह्मण आदि के विशेष रूप से हिंसा का अभियान चलाया जाए। तो श्री नारद जी कहते हैं, राजन कंस ने दैत्य को यह करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार उसका आदेश पाकर वे महान उद्भट दुष्ट दैत्य आकाश में उड़ चले और गौ ब्राह्मण आदि को पीड़ा देने तथा नवजात बालकों को हत्या करने लगे। समुद्र पर्यंत समस्त भूमंडल में इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दैत्य सर्प और चूहों की तरह घर घर में घुसने और विचरने लगे। दैत्य तो स्वभाव से ही कुमारगामी होते हैं, उन पर भी उन्हें कंस की ओर से प्रेरणा प्राप्त हो गई। एक तो बंदर, फिर वे शराब पी ली और उस पर भी उसे बिच्छू डंक मार दें तो उसकी चपलता के लिए क्या कहना। यही दशा उन दैत्यों की थी, वे भूतग्रस्त से हो गए। विधेय कुल नंदन, मैथिली नरेश, विष्णु भक्त, धर्मात्माओं में मुख्य, परम तपस्वी प्रतापी, अंगराज, बहुलाश्य जनक, भूमंडल पर साधु संतों की ये अवहेलना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का संपूर्णता नाश कर देती है। गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 12वें अध्याय में श्री कृष्ण जन्म उत्सव की धूम, गोप गोपियों का उपायन लेकर आना, नंद और यशोदा रोहिणी द्वारा सबका यथावत सत्कार, ब्रह्म आदि देवताओं का भी श्री कृष्ण दर्शन के लिए आगमन। श्री नारद जी कहते हैं, राजन तदंतर गोष्ठ में विद्यमान नंद जी ने अपने घर में पुत्र उत्सव होने का समाचार सुनकर प्रातःकाल ब्राह्मणों को बुलवाया और सस्ती वाचन पूर्वक मंगल कार्य कराया। विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार संपन्न करके महामनस्सी नंदराज ने ब्राह्मणों को आनंदपूर्वक दक्षिणा देने के साथ ही 100,000 गौएं दान की। एक कोस लंबी भूमि में सप्त धान्यों के पर्वत खड़े किए गए। उनके शिखर रत्नों और स्वर्ण से सज्जित, उनके साथ सरस एवं स्निग्ध पदार्थ भी थे। वे सब पर्वत नंद जी ने विनीत भाव से ब्राह्मणों को दिए। मृदंग, वीणा, शंख और धुंधबी आदि बाजे बारंबार बजाए जाने लगे। नंद द्वार पर गायक मंगल गीत गाने लगे, वरांगनाएं नृत्य करने लगी। पताकाओं, सोने के कलशों, चंदों, सुंदर वंदनवारों तथा अनेक रंग के चित्रों से नंद मंदिर उद्भासित होने लगा। सड़कें, गलियां, द्वार, देहनियां, दीवारें, आंगन और वेदियां, इन पर सुगंधित जल का छिड़काव करके सब ओर से वस्त्रों और झंडियों द्वारा सजावट कर दी गई, जिससे ये सब चित्र मंडप या चित्रशाला के समान शोभा पा रहे थे। गमों के सिंगों में सोना मढ़ दिया गया था। उनके गले में सन की माला पहना दी गई थी। उनके गले में घंटी और पैरों में मंजीर की झंकार होती थी। उनकी पीठ पर कुछ कुछ लाल रंग के झूले उड़ाई गई थी। इस प्रकार समस्त गमों का श्रृंगार किया गया था। उनकी पूछे पीले रंग में रंग दी गई थी। उनके साथ बछड़े भी थे। उनके अंगों पर तरनी स्त्रियों के हाथों की छाप लगी थी। हल्दी, कुमकुम तथा विचित्र धातुओं से विचित्रित की गई थी। मोर पंख और पुष्पों से अलंकित तथा सुगंधित जल से अभिषिक्त धर्म धुरंधर मनोहर वृषभ श्री नंदराय जी के द्वार पर इधर उधर शोभित थे। गवों के श्वेत बछड़े सोने की मालाओं और मोतियों के हारों से विभूषित थे। इधर उधर उछलते कूदते फिर रहे थे। उनके पैरों में भी मंजीर बंधे थे। नंद राय जी के यहाँ पुत्र उत्सव का समाचार सुनकर वृषभ भानु वर, रानी कलावती, कीर्तिदा के साथ हाथी पर चढ़कर नंद मंदिर में आए। व्रज में जो 9 नंद 9 उपनंद तथा 6 वृषभानु थे, वे सब भी नाना प्रकार की भेंट सामग्री के साथ वहाँ आए। वे सिर पर पगड़ी तथा उसके ऊपर माला धारण किए पीले रंग के जामे पहने, केशों में मोरपंख और गुंजा बांधे तथा वन माला से विभूषित थे। हाथों में बंसी और बैंत की छड़ी लिए सुंदर पत्र रचना के साथ तिलक लगाए, कमर में मोर पंख बांधे गोपाल गण भी वहां पर आ गए। वे नाचते गाते और वस्त्र हिलाते थे। पूंछ वाले तरुण और बिना पूंछ के बालक की भांति भांति की भेंट लेकर वहां आए।
बूढ़े लोग हाथ में डंडा लिए अपने साथ माखन दूध दही और घी की भेंट लेकर नंद भवन में उपस्थित हुए। वे आपस में ब्रजराज के यहाँ पुत्र सक का संवाद सुनाते हुए प्रेम से विह्वल होकर नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते थे। पुत्र उत्सव होने पर श्री नंद राय जी का आनंद चरम सीमा को पहुंच गया था। उनके नेत्र हर्ष के आंसुओं से भरे हुए थे। उन्हें अपने द्वार पर आए हुए समस्त गोपों का तिलक आदि के द्वारा विधिवत सत्कार किया। गोप बोले, हे ब्रजेश्वर, हे नंदराज, आपके यहाँ तो पुत्र सब हुआ है। ये संतानहीनता के कलंक को मिटाने वाला है, इससे बढ़कर परम मंगल की बात और क्या हो सकती है। देव ने बहुत दिनों के बाद आज आपको ये दिन दिखाया है। हम लोग श्री नंद नंदन का दर्शन करके आज कृतार्थ हो जाएंगे। जब आप दूर से आकर पुत्र को गोद में लेकर मोद पूर्वक लाड लड़ाते हुए हे मोहन कहकर पुकारेंगे, उस समय हमें सब बड़ा सुख मिलेगा। श्री नंद जी ने कहा, बंधुओं, आप लोगों के आशीर्वाद और पुण्य से आज ये आनंददायक शुभ दिवस प्राप्त हुआ है। मैं तो ब्रजवासी गोप गोपियों का आज्ञापालक सेवक हूँ। तो श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री नंद राय जी के यहाँ पुत्र होने का अद्भुत समाचार सुनकर गोपियों के हर्ष की सीमा नहीं रही। उनके हृदय, उनके तन मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गए। वे घर के सारे काम काज तत्काल छोड़कर भेंट सामग्री लिए तुरंत ब्रजराज के भवन में जा पहुंची। नरेंद्र, अपने घर से नंद मंदिर तक इधर उधर बड़ी उतावली के साथ आती जाती सब गोपियां रास्ते की भूमि पर मोती लुटाती चलती थी। शीघ्रतापूर्वक आने जाने से उनके वस्त्र आभूषण तथा केशों के बंधन भी ढीले पड़ गए थे। उस दशा में उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। चंकारते हुए नपुर, नए बाजूबंद, सुनहरे लहंगे, मंजीर, हार, मणि में कुंडल, करधनी, कंठ सूत्र, हाथों के कंगन तथा बाल देश में लगी हुई बेंदियों की नई नई छटाओं से उनकी छवि देखते ही बनती थी। नरेश्वर, वे सब की सब राइनोन, हल्दी के विशेष चूर्ण, गेहूं के आटे, पीली सरसों तथा जो आदि हाथों में लेकर बड़े लाड से लाला के मुख पर उतारती हुई उसे आशीर्वाद देती थी। ये सब करके उन्होंने यशोदा जी से कहा। गोपियां बोली, यशोदा जी, बहुत उत्तम, बहुत अच्छा हुआ। अहो भाग्य, आज परम सौभाग्य का दिन है। आप धन्य हैं, आपकी कोख धन्य है जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया। दीर्घ काल के बाद देव ने आज आपकी इच्छा पूरी की है। कैसे कमल जैसे नेत्र हैं श्याम सुंदर बालक की, कितनी मनोहर मुस्कान है इनके होठों पर। बड़ी संभाल के साथ इसका लालन पालन कीजिए। तो यशोदा ने कहा, बहन, आप सबकी दया और आशीर्वाद से ही मेरे घर में ये सुख आया है, ये आनंद उत्सव प्राप्त हुआ है। मेरे ऊपर आपकी सदा ही बड़ी दया रही है। इसके बाद आप सबको भी देव कृपा से ऐसा ही परम सुख प्राप्त हो, ये मेरी मंगल कामना है। बहन रोहिणी, तुम बड़ी बुद्धिमती हो, सब कार्य बड़े अच्छे ढंग से करती हो। अपने घर हुई ये ब्रजवासियां गोपियां बड़े उत्तम कुल की हैं। तुम इनका पूजन स्वागत सत्कार करो, अपनी इच्छा के अनुसार इन सबको मनवांछा पूर्ण करो। तो श्री नारद जी कहते हैं, राजन, रोहिणी जी भी राजा की बेटी थी। उनके हाथ तो स्वभाव से ही दानशील थे। उन पर भी यशोदा जी ने दान करने की प्रेरणा दे दी। फिर क्या था, उन्हें अत्यंत उदार चित्त होकर दान देना आरंभ किया। उनकी अंग कांति गौर वर्ण की थी, शीर पर दिव्य वस्त्र शोभा पाते थे और वे रत्न में आभूषण से भूषित थी। रोहिणी जी साक्षात लक्ष्मी की भांति व्रजांगनाओं का सत्कार करते हुए सब ओर विचरने लगी। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के ब्रज में पधारने पर सब ओर मानव वाद्य बजने लगे। बड़े जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय गोप दही दूध और घी से तथा गोपांगनाएं ताजे माखन के लोंदों से एक दूसरे को हर्षोल्लास से भिगोने और उच्च स्वर से गीत गाने लगे। नंद भवन के बाहर और भीतर सब और दही की कीच मच गई। उसमें बड़े और मोटे शीर वाले लोग फिसलकर गिर पड़ते थे और दूसरे लोग खूब ताली पीट पीट कर हंसते थे। महाराज, वहां जो पौराणिक सूत, वंशों के प्रशंसक माघध
और निर्मल बुद्धि वाले तथा अवसर के अनुरूप बातें कहने वाले बंदी जन पधारे थे। उन सबको नंद राय जी ने प्रत्येक के लिए अलग अलग 1,000 गौएं प्रदान की। वस्त्र आभूषण रत्न घोड़े और हाथी आदि सब कुछ दिए। समस्त बंदियों तथा मागधजनों को धनी गो ब्रजेश्वर नंद राय ने बहुत दान दिया, धन राशि की वर्षा कर दी। व्रज की गली गली में, घर घर में निधि सिद्धि वृद्धि मुक्ति मुक्ति ये लौटती सी दिखाई देती थी। उन्हें पाने की इच्छा वहाँ किसी के भी मन में नहीं होती थी। उस समय सनत कुमार कपिल शुक और व्यास आदि को तथा हंस दत्तात्रेय प्लस और मुझ नारद को साथ लेकर ब्रह्मा जी वहाँ पर गए। ब्रह्मा जी का वरण तप्त स्वर्ण के समान था। उनके मस्तकों पर मुकुट तथा कानों में कुंडल जगमगा रहे थे। वे वेदकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ होकर संपूर्ण दिक्मंडल को दधिप्यमान करते हुए वहां आए थे। उनके पीछे भूतों से घिरे हुए वृषभ आरूढ़ महेश्वर पधारे। फिर रथ पर चढ़े हुए साक्षात सूर्य अरावत हाथी पर सवार इंद्रराज इंद्र, खंजरीट पर चढ़े हुए वायुदेव महिषवाहन यम, पुष्क आरूढ़ कुबेर, मृगवाहन चंद्रमा, बकरे पर बैठे हुए अग्निदेव, मगर पर आरूढ़ वरुण, म्यूरवाहन कार्तिकेय, हंसवाहिनी सरस्वती, गरुड़ आरूढ़ लक्ष्मी, सिंहवाहिनी दुर्गा तथा गो स्वरूपनी पृथ्वी जो विमान पर बैठी थी वे सब वहां पर आए। दिव्य कांति वाली मुख्य मुख्य 16 मातृकाएं पालकी पर बैठकर आई थी। खड़ग चक्र आदि यष्टि धारण करने वाली षष्ठी देवी शिवका पर सवार होकर वहां पर पहुंची थी। मंगल देवता वानर पर और बुद्ध देवता भास नामक पक्षी पर चढ़कर वहां पधारे थे। काले मृग पर बैठे बृहस्पति, गवय पर चढ़े शुक्राचार्य, मगर पर आरूढ़ शनि देव और ऊंट पर आरूढ़ सिंहा कुमार राहु, ये सभी ग्रह जो करोड़ों बाल सूर्यों के समान तेजस्वी थे नंद मंदिर में पधारे। वहां बड़ा कोलाहल मच रहा था। वे नंद भवन झुंड के झुंड गोप और गोपियों से भरा हुआ था। देवता लोग वहां पहुंचकर क्षण भर रुके और फिर चले गए। बाल रूपधारी परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन्हें मस्तक नवाकर देवताओं ने उस समय उनका उत्तम स्तवन किया। ब्रह्मा आदि सब देवता ऋषियों सहित वहां श्री कृष्ण का दर्शन करके प्रेम विहल और हर्ष विभोर होकर अपने अपने धाम को चले गए। गर संहिता के गोलोक खंड में 13वें अध्याय में पूतना का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, नंद जी राजा कंस का कर चुकाने, वसुदेव जी की कुशल पूछने और उन्हें अपने यहाँ के पुत्र सक का समाचार देने के लिए मथुरा चले गए। उसी समय कंस की भेजी हुई बाल घातनी दुष्टा राक्षी पूतना नगरों गांवों और गोष्ठों में विचरती हुई गोप और गोपियों से भरे हुए गोकुल में आ पहुंची। उसकी नाक से सांस के साथ घर घर शब्द होता था। गोकुल के निकट आने पर उसने माया से दिव्य रूप धारण कर लिया। वह 16 वर्ष की अवस्था वाली तरुणी बन गई। उसका सौंदर्य इतना दिव्य था कि अपनी अंग कांति से शची सरस्वती लक्ष्मी रंभा तथा रति को भी तिष्कित कर रही थी। चलते समय उसके उन्नत कुछ दिव्य आभा से झलकते और हिलते थे। उन्हें देखकर रोहिणी तथा यशोदा भी हत प्रतिभ हो गई। उसने आते ही बाल गोपाल को गोद में ले लिया और बारंबार लाड लड़ाती हुई उस महाघोर दानवी ने शिशु के मुख में हलाहल विष से लिप्त अपना दुख दे दिया। ये देख तीक्ष्ण रोष से आवृत होकर श्री हरि ने उसका सारा दूध उसके प्राणों सहित पी लिया। उसके दुग्ध में जब असह्य पीड़ा हुई तब छोड़ो छोड़ो कहते हुए वह उठकर भागी। बच्चे को लिए घर से बाहर निकल गई। बाहर जाने पर उसकी माया नष्ट हो गई और वह अपने असली रूप में दिखाई देने लगी। उसके नेत्र बाहर निकल आए, सारा शीर सफेद पड़ गया और वह रोती चिल्लाती पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी चिल्लाहट से सातों लोक और सातों पाताल सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। दीपों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। नृपेश्वर, पूतना का विशाल शरीर 6 कोस लंबा और वज्र के समान सुदृढ़ था। उसके गिरने से उसकी पीठ के नीचे आए हुए बड़े बड़े वृक्ष पिसकर चकनाचूर हो गए। उसमें गोपगण उस दानवी के भयंकर और विशाल शरीर को देखकर परस्पर कहने लगे, इसकी गोद में
गया हुआ बालक कदाचित जीवित नहीं होगा, परंतु वह अद्भुत बालक उसकी छाती पर बैठा हुआ आनंद से खेलता और मुस्कुराता था। वह पुत्र का दुग्ध पीकर जम्बाई ले रहा था। उसे उस अवस्था में देखकर यशोदा तथा रोहिणी के साथ जाकर स्त्रियों ने उठा लिया और छाती से लगाकर वे सब की सब बड़े विस्मय में पड़ गई। बच्चे को ले जाकर गोपियों ने सब ओर से विधि पूर्वक उनकी रक्षा की। जमुना जी की पित्र मिट्टी लगाकर उसके ऊपर जमुना जल का छीटा दिया, फिर उसके ऊपर गाय की पूंछ घुमाई, गोमूत्र और गोरज मिश्रित जल से उसको नहलाया और इस प्रकार से कवच का पाठ किया। श्री गोपियां बोली, मेरे लाल श्री कृष्ण तेरे सिर की रक्षा करें। और भगवान वैकुंठ कंठ की, शेरदीप के स्वामी दोनों कानों की, यज्ञ रूपधारी श्री हरि नासका की, भगवान नरसिंह दोनों नेत्रों की, दशरथ नंदन श्री राम जीहा की और नर नारायण ऋषि तेरे अधरों की रक्षा करें। साक्षात श्री हरि के कला अवतार सनक सनंदन आदि चारों महर्षि तेरे दोनों कपोलों की रक्षा करें। भगवान श्वेतवरा तेरे भाल देश की तथा नारद दोनों भ्रू लताओं की रक्षा करें। भगवान कपिल तेरी ठोडी को और दत्तात्रेय तेरे वक्ष स्थल को सुरक्षित रखे। भगवान ऋषभ तेरे दोनों कंधों की और मत्स्य भगवान तेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। पृथुल प्राकर्मी राजा पृथु सदा तेरे बाहुदंडों को सुरक्षित रखे। भगवान कच्छप उदर की और धन्वंतरी तेरे नाभि की रक्षा करें। मोहिनी रूपधारी भगवान तेरे गोह देश को और वामन तेरी कटी को हानि ना पहुंचावे। परशुराम जी तेरे पृष्ठ भाग की और बादरायन व्यास जी तेरे दोनों जंगम की रक्षा करे। बलभद्र दोनों घुटनों की और बुद्ध देव तेरे पिंडलियों की रक्षा करे। धर्मपालक भगवान कल्कि गुल्फों सहित तेरे दोनों पैरों को सकुशल रखे। ये सब की रक्षा करने वाला परम दिव्य श्री कृष्ण कवच है। इसका उपदेश भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल से विद्यमान ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने शंभु को, शंभु ने दुर्वासा को और दुर्वासा ने नंद मंदिर में आकर श्री यशोदा जी को इसका उपदेश दिया था। इस कवच के द्वारा गोपियों सहित श्री यशोदा ने नंद नंदन की रक्षा करके उन्हें अपना दुग्ध पान कराया और ब्राह्मणों को प्रचुर धन दिया। उसी समय नंद आदि गोप मथुरापुरी से गोकुल में लौट आए। पूतना के भयानक शीर को देखकर वे सब के सब भय से व्याकुल हो गए। गोपों ने कुठारों से उसके शीर को काट काट कर जमुना जी के किनारे कई चिताएं बनाई और उसका दाह संस्कार किया। पूतना का शीर परम पवित्र हो गया था। जलाने पर उससे जो धुआं निकला उसमें इलायची, लवंग, चंदन, तगर और अगर की सुगंध भरी हुई थी। अहो, जिन पतित पावन ने पूतना को मोक्ष गति प्रदान की उन श्री कृष्ण को छोड़कर हम यहाँ किसकी शरण में जाएं? बहुलाश ने पूछा, देव ऋषि, ये बाल घातनी राक्षी पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? इसके दुग्ध में विष लगा हुआ था तथा उसके भीतर का भाव भी दूषित ही था, तथापि इसे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो गई? तो श्री नारद जी बोले, पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन के परम उत्तम रूप को देखकर बलि कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह किया था। उसने मन ही मन ये संकल्प किया था कि यदि मेरे भी ऐसा ही बालक उत्पन्न हो और उस पितृ मुस्कान वाले शिशु को मैं अपना दुग्ध पान कराऊं तो उससे मेरा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। बलि भगवान जी के परम भक्त हैं, अतः उनकी पुत्री को वामन भगवान जी ने ये वर दिया कि तेरे मन में जो मनोरथ है वह पूर्ण हो। वही रत्नमाला द्वापर के अंत में पूतना नाम से विख्यात राक्षी हुई। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उसका उत्तम मनोरथ सफल हो गया। मिथिला नरेश जो मनुष्य प्रात पर भगवान श्री कृष्ण के इस पूतना उद्धार संबंधी प्रसंग को सुनता है उसको भगवान जी की प्रेम पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है, फिर उसे धर्म अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग की उपलब्धि हो जाए। इसके लिए तो कहना ही क्या है। गर संहिता के गोलोक खंड में 14वें अध्याय में शकट भंजन, उत्कच और तृणाव्रत का उद्धार, दोनों के पूर्व जन्म का वर्णन। श्री गर्ग जी ने कहा, श्रवणों, किस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट दिव्य चरित्र का वर्णन किया। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करता व्यक्ति कृतार्थ है, उसे परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, इसमें संशय नहीं है। श्री शौनक जी बोले, मुनि,
भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र अमृत रस से तैयार की हुई परम मधुर खांड है। इसी साक्षात आपके मुख से सुनकर हम कृतार्थ हो गए। तपोधन, संतों में श्रेष्ठ राजा बहुलाश्य भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके मन में सदा शांति बनी रहती थी। इसके बाद उन्होंने मुनिवर नारद जी से कौन सी बात पूछी ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री गर्ग जी ने कहा, शौनक, तदंतर मिथिला के महाराज बहुलाश्य हर्ष से उत्फुल्ल और प्रेम से विहल हो गए। फिर उन धर्मात्मा नरेश ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए नारद जी से कहा। राजा बहुलाश्य बोले, मुनि, आपने भूरी भूरी पुण्य कर्म किए हैं। आपके संपर्क से मैं धन्य और कृतार्थ हो गया, क्योंकि भगवान जी के भक्तों का संग दुर्लभ और दुस्साध्य है। मुनि, अद्भुत भक्तवत्सल भगवान साक्षात श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में आगे चलकर कौन सी विचित्र लीला की ये मुझे बताइए। तो श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तुम श्री कृष्ण सम्मत धर्म के पालक हो। तुमने ये बहुत उत्तम प्रश्न किया है। निश्चय ही संत पुरुषों का संग सबके कल्याण का विस्तार करने वाला होता है। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र प्राप्त हुआ था, नंदरानी श्री यशोदा ने गोप और गोपियों को अपने यहाँ बुलाकर ब्राह्मणों के बताए अनुसार मंगल विधान संपन्न किया। उस समय श्याम सलोने बालक श्री कृष्ण को लाल रंग का वस्त्र पहनाया गया। अंगों को सर में भूषणों से भूषित किया गया। उन्हें गोद में लेकर मैया ने उनके विकसित कमल सदृश कमनीय नेत्रों में काजल लगाया और गले में भाग नखा युक्त चंद्रहार धारण कराया तथा देवताओं को नमस्कार करके ब्राह्मणों के लिए उत्तम धन का दान दिया। अंतर गोपी यशोदा ने शीघ्र ही अपने लाला को पालने पर लिटा दिया और मंगल दिवस पर गोपियों से प्रत्येक का अलग अलग स्वागत किया। उस मंगल भवन में उस दिन बहुत से गोपों का आना जाना लगा रहा। अतः उन्हीं के सत्कार में व्यस्त रहने के कारण वे अपने रोते बालक का रुदन शब्द सुन नहीं सकी। उसी क्षण पाप आत्मा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया। उसका नाम उत्कच था। वह वायु में शेर धारण किए रहता था। वह आकर छकड़े पर जिस प्रकार बड़े बड़े वजनदार दही दूध के मटके रखे जाते थे बैठ गया और बालक के मस्तक पर उस शकट को उलटकर गिराने के प्रयास में लग गया। इतने में ही श्री कृष्ण ने रोते रोते ही उस शकट पर पैर से प्रहार कर दिया। फिर तो वह बड़ा छकड़ा टूट टूट कर गिर गया और दैत्य मरकर नीचे आ गिरा। ऐसी स्थिति में वह वायु में शेर छोड़कर निर्मल दिव्य देह से संपन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़ों से जीते हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान जी के नीचे परम धाम गोलोक को चला गया। उसमें ब्रजवासी नंद आदि गोप तथा गोपियां सब के सब एक साथ वहां आ गए और बालकों से पूछने लगे, ब्रज कुमारों, ये शकट अपने आप ही गिर पड़ा या किसी ने इसे गिराया? कैसे इसकी यह दशा हुई है, तुम जानते हो तो बताओ। तो बालकों ने कहा, पालने पर सोया हुआ ये बालक दूध पीने के लिए रोते रोते ही पैर फेंक रहा था। वही पैर छकड़े से टकराया, इसी से वह छकड़ा उलट गया। ब्रज बालकों की इस बात पर गोप और गोपियों को विश्वास नहीं हुआ। वे सभी आश्चर्य मग्न होकर सोचने लगे, कहाँ तो 3 महीने का यह छोटा सा बालक और कहाँ इतने विशाल भोज वाला है वह छकड़ा। यशोदा को यह शंका होगी कि बच्चे को कोई बाल ग्रह लग गया है। अतः उन्होंने बालक को गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक ग्रह यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को धन आदि से पूर्णतम तृप्त कर दिया। श्री बहुलाश ने पूछा, महामुनि, इस उत्कच नाम के राक्षस ने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श पाकर वह तत्काल मोक्ष का भागी हो गया? तो श्री नारद जी ने कहा, मिथिलेश्वर, ये उत्कच पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक दिन मैं लोमस जी के आश्रम पर गया और वहां उसने आश्रम के वृक्ष को चूर्ण कर दिया। स्थूल देह से युक्त महाबली उत्कच को खड़ा देखकर ब्राह्मण ऋषि ने रोष युक्त होकर उसे शाप दे दिया, दुर्मते तू दे रहित हो जा। उसी कर्म के परिपाक से उसका वह शेर सर्प शरीर से कैंचुर की भांति छूटकर गिर पड़ा।
ये देख वह महान दानव मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला। उत्कच ने कहा, मुनि आप कृपा के सागर हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। भगवान मैंने आपके प्रभाव को नहीं जाना, आप मेरी देह मुझे दे दीजिए। तो श्री नारद जी ने कहा, राजन तंत्र वे मुनि लोमश प्रसन्न हो गए जिन्होंने विधाता की 100 नीतियां देखी हैं, अर्थात जिनके सामने 100 ब्रह्मा बीत चुके हैं। ऐसे संतों का रोष भी वरदायक होता है, फिर उनका वरदान मोक्षप्रद हो इसके लिए तो कहना ही क्या है। लोमश जी बोले, चाक्षुष मन्वंतर तक तो तेरा शीर वायु में रहेगा, इसके बीच जाने पर वस्वत मन्वंतर आएगा। उसी समय मैं 28वें द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से तेरी मुक्ति होगी। तो श्री नारद जी कहते हैं, राजन उक्त वरद शाप के कारण लोमश जी के प्रताप से दानव उत्कच भी भगवान जी के परम धाम का अधिकारी हो गया। जो वर और शाप देने में पूर्ण स्वतंत्र हैं उन श्रेष्ठ संतों के लिए मेरा नमस्कार है। राजन एक दिन नंद रानी यशोदा जी गोद में बालक श्री कृष्ण खेल रहे थे और नंद रानी उन्हें लाड़ लड़ा रही थी। थोड़ी ही देर में बालक पर्वत के समान भारी प्रतीत होने लगा, वैसे गोद से उठाए रखने में असमर्थ होगी और मन ही मन सोचने लगी, ओहो इस बालक में पहाड़ सा भारीपन कहाँ से आ गया। फिर उन्होंने बाल गोपाल को भूमि पर रख दिया, परंतु ये रहस्य किसी को बताया नहीं। उसी समय कंस का भेजा हुआ महाबली दैत्य त्रिनावर्त वहां आकर आंगन में खेलते हुए सुंदर बालक श्री कृष्ण को भवंडर रूप से उठा ले गया। तब गोकुल में ऐसी धूल उठी जिसके कारण अंधेरा छा गया और भयंकर शब्द होने लगा। 2 घड़ी तक सबकी आंखों में धूल भरी रही। उस समय यशोदा जी ने नंद मंदिर के आंगन में अपने लाला को ना देख कर घबरा गई, रोती ही महल के शिखरों की ओर देखने लगी। वे बड़े भयंकर दिखते थे, जब कहां कहीं भी अपना लाला नहीं दिखाई दिया तब वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और होश में आने पर उत्सव से इस प्रकार करुण विलाप करने लगी मानो बछड़े के मर जाने पर गौ क्रंदन कर रही हो। प्रेम और स्नेह से व्याकुल हुई गोपियां भी रो रही थी, उन सब के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वे इधर उधर देखती हुई नंद नंदन की खोज में लग गई। उधर त्रिनावर्त आकाश में 10 योजन ऊपर जा पहुंचा, बालक श्री कृष्ण उनके कंधे पर थे, उनका शीर उसे सुमेरु पर्वत की भांति भारी प्रतीत होने लगा, उसे अत्यंत पीड़ा होने लगी। तब वह दानव श्री कृष्ण को वहां नीचे पटकने की चेष्टा में लग गया। ये जानकर परिपूर्णतम भगवान जी ने स्वयं उसका गला पकड़ लिया। निशाचर के छोड़ दे कहने पर अद्भुत बालक श्री कृष्ण ने बड़े जोर से उसका गला दबाया, इससे इसके प्राण पखेड़ उड़ गए, उसकी देह से ज्योति निकली और घनश्याम में उसी प्रकार विलीन होगी जैसे बादल में बिजली। तब आकाश से दैत्य का शीर बालक के साथ ही एक शिला पर गिर पड़ा, गिरते ही उसकी बोटी बोटी छितर गई। गिरने के धमाके से संपूर्ण दिशाएं प्रतिध्वनित तो उठी, भूमंडल कांपने लगा। उस समय रोती हुई सब गोपियों ने राक्षस की पीठ पर चुपचाप बैठे बालक श्री कृष्ण को एक साथ ही देखा और दौड़कर उन्हें उठा लिया। फिर माता यशोदा को देखकर वे कहने लगी, गोपियां बोली, यशोदे तुमने बालक के लालन पालन की रत्ती भर भी योग्यता नहीं है, कहने से तो तुम बुरा मान जाती हो किंतु सच बात यह कि कभी कहीं तुम्हें मैं दया देखी नहीं गई। भला कहो तो इस प्रकार अंधकार आ जाने पर कोई भी अपने बच्चे को गौ से अलग करता है, तो वह ऐसी निर्दयी है कि ऐसे महान भय के अवसर पर भी बालक को जमीन पर रख दिया। तो यशोदा जी ने कहा, बहनों समझ में नहीं आता कि उस समय मेरा लाला क्यों गिरिराज के समान भारी लगने लगा था, इसलिए उस महाभयंकर बवंडर में भी मैंने इसे गोदी से उतारकर भूमि पर रख दिया। तो गोपियां कहने लगी, यशोदा जी रहने दो, झूठ मत बोलो, कल्याणी तुम्हारे दिल में जरा भी दया नहीं है, ये दुधमुहा बच्चा तो फूल और रुई के समान हल्का है। तो श्री नारद जी कहते हैं, बालक श्री कृष्ण के घर आ जाने पर नंद आदि गोप गोपियां सभी को बड़ा हर्ष हुआ, वे सब लोगों के साथ उनकी कुशल वार्ता कहने लगे। यशोदा जी बालक श्री कृष्ण को उठा ले गई और बार बार स्तन्य पिलाकर मस्तक सूंघकर और आंचल से छाती से छिपाकर मोह छो के वशीभूत होकर रोनी से कहने लगी। यशोदा कहने लगी, बहन मुझे देव ने एक ही पुत्र दिया है,
मेरे बहुत से पुत्र नहीं हैं। इस एक पुत्र पर भी क्षण भर में अनेक प्रकार के अरिष्ट आते रहते हैं। आज ये मौत के मुंह से बचा है, इससे अधिक उत्पात और क्या होगा। अतः अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं रब, और कहां रहने की व्यवस्था करूं। धन, शरीर, मकान, अटारी और विविध प्रकार के रत्न सबसे बढ़कर मेरे लिए ये एक ही बात है कि मेरा ये बालक कुशल से रहे। यदि मेरा ये बच्चा अरिष्टों पर विजयी हो जाए तो मैं भगवान श्री हरि की पूजा, दान एवं यज्ञ करूंगी, तड़ागवापी आदि का निर्माण करूंगी और सैकड़ों मंदिर बनवा दूंगी। प्रिय रोहिणी, जैसे अंधे के लिए लाठी ही सहारा है, उसी प्रकार मेरा सारा सुख इस बालक से ही है। अतः बहन, अब मैं अपने लाला को उस स्थान पर ले जाऊंगी जहां कोई भय ना हो। तो श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उसी समय नंद मंदिर में बहुत से विद्वान ब्राह्मण पधारे और उत्तम आसन पर बैठे। नंद और यशोदा जी ने उन सब का विधिवत पूजन किया। महाभाग ब्राह्मण बोले, व्रजपति नंद जी तथा ब्रजेश्वरी यशोदे, तुम चिंता मत करो, हम इस बालक की कवच आदि से रक्षा करेंगे जिससे यह धीर जीवी हो जाए। तो श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने कुशाग्रों, नूतन पल्लवों, पवित्र कलशों, शुद्ध जल तथा ऋक यजु एवं सामवेद के स्तोत्रों और उत्तम स्वस्ति वाचन आदि के द्वारा विधि विधान से यज्ञ करवाकर अग्नि की पूजा कराई। तब उन्होंने बालक श्री कृष्ण की विधिवत रक्षा की, रक्षार्थ इस प्रकार से क्वच पड़ा। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान दामोदर तुम्हारे चरणों की रक्षा करें, विष्टर शर्वा घुटनों की, श्री विष्णु जांघों की और स्वयं परिपूर्ण तब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी नाभि की रक्षा करें, भगवान राधावल्लभ तुम्हारे कटी भाग की तथा पीताम्बर धारी तुम्हारे उदर की रक्षा करें, भगवान पद्म नाम हृदय देश की, गोवर्धन धारी बाहों की, मथुराधीश्वर मुख की और द्वारका नाथ सिर की रक्षा करें, असुरों का संहार करने वाले भगवान पीठ की रक्षा करें और साक्षात भगवान गोविंद सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। तीन श्लोक वाले इस स्तोत्र का जो मनुष्य निरंतर पाठ करेगा उसे परम सुख की प्राप्ति होगी और उसे कहीं भी भय का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो श्री नारद जी कहते हैं, तंत्र नंद जी ने उन ब्राह्मणों को 100,000 गायें, 10,00,000 स्वर्ण मुद्राएं, 1,000 नितन रत्न और 1,00,000 बढ़िया वस्त्र दिए। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के चले जाने पर नंद जी ने गोपों को बुला बुलाकर भोजन कराया और मनोहर वस्त्राभूषणों से उन सबका सत्कार किया। तो श्री बहुलाश ने पूछा, मुनि, ये त्रिनामर्त पहले जन्म में कौन सा पुण्य कर्मा मनुष्य था जो साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गया। तो श्री नारद जी बोले, राजन, पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम से विख्यात एक राजा थे, उनकी कीर्ति सर्वत्र व्याप्त थी, भगवान विष्णु में उनकी अपार श्रद्धा थी, वे धर्म में रुचि रखते थे, यज्ञ और दान में उनकी बड़ी लगन थी। एक दिन वे नर्मदा नदी के दिव्य तट पर गए, लताएं और मैं उस तट की शोभा बढ़ा रहे थे, वहां शस्त्रों स्त्रियों के साथ आनंद का अनुभव करते हुए विचरने लगे। उसी समय स्वयं दुर्वासा मुनि ने वहां पर दर्पण किया, राजा ने उनकी वंदना नहीं की। तब मुनि ने शाप दे दिया, दुर्बुद्धे तो राक्षस हो जा। फिर तो राजा सहस्त्राक्ष दुर्वासा जी के चरणों पर पड़ गए। तब मुनि ने उन्हें वर दिया, राजन, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का स्पर्श होने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वे ही राजा सहस्त्राक्ष दुर्वासा जी के शाप से भूमंडल पर त्रिनावर्त नामक दैत्य हुआ। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य श्री विग्रह का स्पर्श होने से उसकी सर्वोत्तम मोक्ष गोलोक धाम प्राप्त हो गया।